तो फिश बनाना फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए 2 केले छील लिए हैं। अब हम इनके थोड़े मोटे स्लाइस काट लेंगे। अब इस तरीके से अब जिस तरह से हम फिश को मैरिनेट करते हैं उसी तरीके से पहले डाल देंगे थोड़ी हल्दी। थोड़ी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक। यहाँ पर हम 2 चुटकी काली मिर्च भी कुटी हुई ऐड कर रहे हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और 2 चुटकी भुना और पिसा हुआ जीरा। ये हमने यहाँ पर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मैरिनेशन को बनाना स्लाइसेस पर अच्छी तरह से कोट कर देंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। यहीं पर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और स्लाइसेस पर अच्छी तरह से लगा देंगे। और इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून होममेड गर्म मसाला। अब तैयार कर देंगे इसका ऊपर से कोटिंग। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप रवा, इसको सूजी भी बोलते हैं, और 1/4 कप चावल का आटा। आधा टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार रखें आप। और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन को गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे थोड़ा ऑयल। अब बनाना स्लाइसेस को कोटी मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट कर देंगे। अब बनाना स्लाइसेस को लो मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे। ये बनाना फ्राई उतने ही टेस्टी बनते हैं जितने की फिश फ्राई। यहाँ पर हम हीट मीडियम लो रखेंगे जिससे बनाना स्लाइसेस अच्छी तरीके से कुक भी हो जाएं और इन पर बहुत बढ़िया गोल्डन कलर भी आ जाए। बनाना स्लाइसेस 3-4 मिनट में ही कुक हो जाते हैं। देखिए बनाना स्लाइसेस पर नाइस गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब पैन में थोड़ा तेल और डाल देंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए ये तैयार हो गए हमारे नो फिश रॉ बनाना फ्राई। देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, एक बार जरूर बनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आऊंगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।